क्या आप जानते हैं दुनिया में हर साल सांप के काटने से होने वाली कुल मौतों में से 81% मौतें सिर्फ हमारे देश में होती हैं। हर 12 मिनट में भारत में किसी एक इंसान की मौत हो जाती है, किसी सड़क हादसे से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, बल्कि सांप के काटने से। हर दिन 158 मौतें, हर साल 58,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इनमें से 90% मौत होती है सिर्फ 4 तरह के सांपों की वजह से। आज हम जानेंगे कौन है ये 4 सांप, कौन है इनमें सबसे खतरनाक, कौन है असली किलर। इन्हें भारत के बिग 4 कहा जाता है। स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। सबसे पहले मिलिए बड़े मियां से, यानी हमारे नाग देवता द इंडियन कोबरा। भारतीय संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय सांप, जिसे देखकर हम सब डरते हैं और सम्मान भी करते हैं। हम इसे पूजते हैं, लेकिन यह सोचना कि हमारी पूजा इसे काटने से रोक लेगी एक जानलेवा भूल है। 4 से 6 फीट लंबा यह सांप भारत के हर कोने में पाया जाता है, अक्सर खेतों में या आपके घर के आसपास। इसे इंसान या जानवर नहीं, बल्कि हमारे घर और खेतों में पलने वाले चूहे पसंद हैं। ये गोल्डन ब्राउन या ब्लैक रंग के होते हैं, पर खास पहचान है इसका विशाल फन, जिस पर बना है चश्मे जैसा अनोखा निशान। कोबरा इंसानों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपना फन फैलाकर फुफकारता है। ये हमला करने से पहले एक साफ चेतावनी देता है, और अगर आपने उसे नजरअंदाज किया तो जान भी ले सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है। काटने के कुछ ही मिनटों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर इलाज ना मिले तो सिर्फ 2 घंटे के भीतर मौत हो सकती है। अगला सांप कोबरा से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक खामोश हत्यारा है। ये है कॉमन क्रेट, द साइलेंट किलर। दिखने में छोटा, पतला, चमकदार, ग्लॉसी ब्लैक रंग का सांप, जिस पर पतली सफेद पट्टियां होती हैं। इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात इसका खामोश अंदाज। यह आमतौर पर आक्रामक नहीं होता, पर रात में जब लोग अंधेरे में इस पर गलती से पैर रख देते हैं तब यह काटता है। सबसे डरावनी बात, इसका डंक इतना हल्का होता है कि आपको काटने का एहसास तक नहीं होता। भारत और बांग्लादेश के गांवों में रात को सोते हुए लोगों की सबसे ज्यादा मौतें इसी क्रेट की वजह से होती हैं। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक है, इतना पावरफुल 70% मामलों में मौत तय है। सोते हुए लोगों को जब यह काटता है तो उन्हें दर्द नहीं होता और वे नींद में ही कोमा में चले जाते हैं। इसका एक दर्द रहित डंक हमेशा के लिए सुला सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तीसरे नंबर पर है मौत की मशीन द रसेल्स वाइपर, भारत का सबसे घातक सांप, जिसकी वजह से हर साल 25,000 से ज्यादा इंसानी मौत होती है। यह सांप गोल्डन ब्राउन रंग का होता है और इसकी पीठ पर गोल या जिग जैग जैसे काले निशान होते हैं। इसकी लंबाई 3 फीट से 5 फीट तक हो सकती है। ये सांप खेतों में, झाड़ियों में, लकड़ी के ढेर में या सूखी घास में छिपा हो सकता है। ये बहुत ही आक्रामक है। खतरा महसूस होने पर यह अपने शरीर को मोड़कर एक तेज और जोरदार हिसिंग की आवाज निकालता है, और फिर बिजली जैसी क्विक स्ट्राइक, सिर्फ 0.7 सेकंड में हमला करता है और 10 लेता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, यानी शरीर के खून को धीरे धीरे जमाना शुरू कर देता है। खून जमने लगता है, अंग काम करना बंद करते हैं, और अगर इलाज देर से मिले तो 6 घंटे में किडनी फेल और फिर सब खत्म। अब मिलिए छोटे मियां से द सौ स्केल्ड वाइपर। ये बिग 4 में सबसे छोटा है, पर इसका स्वभाव बहुत आक्रामक होता है। ये एक छोटा और पतला सांप है, जिसकी लंबाई बस 1 से 2 फीट होती है। इसका रंग अक्सर सैंडी ब्राउन होता है, जो इसे रेगिस्तानी इलाकों में छिपने में मदद करता है। ये सांप सूखे इलाकों में पाया जाता है, खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में। यह अपनी बिजली जैसी तेज गति के लिए जाना जाता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी स्केल्स को आपस में रगड़ता है और एक कड़कड़ाहट सी आवाज निकलती है। ये एक साफ वार्निंग है, भाई मुझसे दूर रहो। इसका जहर हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक का घातक मिश्रण है। यह खून को गाढ़ा कर देता है, अंदर ही अंदर नसें फटने लगती हैं और अंग सड़ने लगते हैं। साइज पर मत जाना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो ये थे भारत के बिग 4।
याद रखे, ये सांप हमारे दुश्मन नहीं है। याद रखे, सांप हमलावर नहीं है। जब तक उन्हें छेड़ा न जाए या खतरा महसूस न हो, तब तक वे आत्मरक्षा में हमला नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी कोई सांप काट ले तो डरे नहीं। अपनी जान बचाने के लिए तीन काम बिल्कुल न करें। ना ही झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े, ना ही घाव को चूसने या कसकर बांधने की कोशिश करें। इन सब में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे नजदीकी अस्पताल जाएं। यही एकमात्र सही तरीका है। वहां आपको सिर्फ एक ही दवाई बचा सकती है, एंटी वेनम। डरे नहीं, जानिए, समझिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर। धन्यवाद।